नहीं खाऊंगी मैं जेल का खाना। कब तक ऐसे हंगर स्ट्राइक पे रहने वाली हो? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, उसके बाद तो खाना ही है। तो फिर फालतू का ड्रामा क्यों? मैंने कहा जेल का खाना नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो क्या आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगाएं? उसकी कोई जरूरत नहीं है एसीपी कबीर सर। घर है ना मोहिनी मैडम का, अभी वो घर का खाना खाएंगी। ये रहे उनके बेल के ऑर्डर्स, देख लीजिए। इसे बेल कैसे मिल गई? वर्स्ट कंडीशन में अगर मैं पकड़ी गई तो ये पेपर्स और उस पे मेरे सिग्नेचर्स मुझे बचा लेंगे। सी, आई टोल्ड यू, आज की दुनिया में सब कुछ बिकता है। तुम नहीं बिके पर तुम्हारा सीनियर बिक गया। वो क्या कह रहे थे तुम? हाँ, धोखा। तुम कह रहे थे तुम अपने डिपार्टमेंट से धोखा नहीं कर सकते, पर देखो तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें धोखा दे दिया। रिलैक्स मिस्टर कबीर, मोहिनी जी पेशेंट है और मेडिकल राउंड्स पे उनको बेल मिल गई है, और किसी भी पेशेंट को लॉकअप में नहीं रखा जाता। ये रूल तो आपको पता होगा ना। ये जो आपके हाथ में है वो कोर्ट के ऑर्डर्स है, और मोहिनी जी बिना परमिशन के इस शहर से बाहर नहीं जाएगी। अब आप इन्हें लॉकअप में नहीं रख सकते, सो प्लीज रिलीज हर। आज की रात पार्टी करके सेलिब्रेट करूंगी अपनी रिहाई को। तुम भी इनवाइटेड हो, कम। तुम मुझे जेल का खाना खिला रहे थे, पर मेरे घर आओ, मैं तुम्हें ऐसा डिनर कराऊंगी कि लाइफ टाइम याद रखोगे, कसम से। चलो खड़े क्या हो, मेरा हैंडकफ खोलो और रिस्पेक्ट के साथ मुझे बाहर तक छोड़ कर आओ। कम ऑन, कम ऑन। सर क्या है ये, इसे बेल कैसे मिल गई? सर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे हमने इस पे, इतनी मोटी चार्जशीट बनाई थी, तो फायदा क्या हुआ? मोहिनी की पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, छोड़ना ही पड़ेगा हमें इसको। हो गया, किसी और को कॉल करना है। चलो जल्दी खोलो मेरे हैंडकफ, कम ऑन। आइए मैम। मोहिनी तुम्हें बर्बाद करने आ रही है अपराजिता। अब मुझे निया की विदाई अर्जुन के साथ करने से कोई नहीं रोक पाएगा।